गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे टॉपिक इज इंटीजर्स. सो फर्स्ट यू नो व्हाट इज इंटीजर्स. इंटीजर्स किसे कहेंगे हम, वो आपको देखना है. ठीक है, तो जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर, जैसे 1, 2, 3 है ना. इट दैट इज इनफाइनाइट नेचुरल नंबर. देर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स. 1, 2 से लेकर लास्ट नंबर हम नहीं बता सकते. वी कांट से द बिगेस्ट नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर मीन्स क्या, जो काउंटिंग नंबर, जहाँ से हम नंबर काउंट करना शुरू करते हैं उसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर. फिर उन्हीं नेचुरल नंबर्स में हम जब जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 है ना. ऐसे पूरे जो नंबर है वो हमारे बन जाएंगे होल नंबर्स. फिर इन्हीं नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में जब हम जब हमें पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो को इंक्लूड करके जो भी पॉजिटिव नंबर्स है और जो निगेटिव नंबर्स है, जैसे -1, -2, -3, ये सभी हमारे हो जाएंगे इंटीजर्स. इसमें जीरो भी इंक्लूड होगा. अब जीरो को कोई साइन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है. जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है. ठीक है, बाकी जो नंबर्स है वो पूरे पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर्स को मिलाकर बनेगा इंटीजर्स. तो यहाँ पर अभी हम इंटीजर्स के बारे में देखेंगे. हमारी फर्स्ट जो है इंटीजर्स को यहाँ पे कैसे शो किया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि सबसे सेंटर में नंबर लाइन बनी हुई है और सबसे सेंटर में जो नंबर दिखाई दे रहा है वो है जीरो. तो इसे हम कहेंगे ओरिजिन. जीरो को कहेंगे ओरिजिन. और जीरो के आप राइट साइड में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर दिखेंगे, जैसे +1 है, +2 है, +3, +4, +5, +6, +7, ऐसे पूरे इनफाइनाइट हमें पॉजिटिव नंबर दिखाई देंगे. और वो जीरो के जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पर हमें सारे निगेटिव नंबर्स दिखाई देंगे नंबर लाइन पे, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6. तो दीज ऑल आर निगेटिव नंबर्स. पर यहाँ पे जो जीरो देख रहे हैं आप, इट इज़ अ ओरिजिन. इसे हम ओरिजिन कहेंगे. और जीरो को कोई साइन है कि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ जीरो को कोई भी साइन नहीं है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. अब यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर्स जो है 1, 2, 3 ऐसे पूरे यहाँ डैश डैश लगा, इसका मतलब है ये पूरे हमारे इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है. फिर होल नंबर्स आप देख रहे हैं, होल नंबर में जीरो लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ जीरो ही होल नंबर नहीं बल्कि जो नेचुरल नंबर है उसमें जब हम जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो वो सब हो जाएंगे होल नंबर, जैसे 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा. तो ये हो जाएंगे होल नंबर्स. फिर यहाँ पर देख रहे हो आप इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में हमें -1, -2 दिखाई दे रहा है. तो ये जब ये सारे नंबर्स में हम निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देंगे, जो हमारे नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर है, इनमें जब हम निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देंगे तो ये हमारे बन जाएंगे इंटीजर्स. ठीक है, देन कम टू प्रैक्टिस सेट 4. प्रैक्टिस सेट 4 में क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स. आपको पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स यहाँ पे क्लासीफाई करना, पहचानना है. तो कैसे पहचानेंगे, जिसके सामने में माइनस साइन है वो निगेटिव नंबर है, जैसे -5 इट इज़ अ निगेटिव नंबर, +4 इट इज़ पॉजिटिव नंबर, -2 इट इज़ निगेटिव नंबर, 7 के सामने यहाँ कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव नंबर, +6 इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, -49 इट इज़ अ निगेटिव नंबर. सो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स यू विल डू इन योर कॉपी नाउ. ओके, देन क्वेश्चन सेकेंड, गिवन बिलो आर द टेम्परेचर इन सम सिटीज़, राइट देम यूजिंग द प्रॉपर साइन. यहाँ पर आपको सिटीज़ के नेम दिए हैं
और उनके टेम्परेचर दिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है शिमला, लेह, दिल्ली, नागपुर, ये सब सिटी के नाम दिए हैं और इनके टेम्परेचर दिए, 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, फिर 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, 22 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री और 31 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, उनके प्रॉपर साइन लगाने, जैसे शिमला का जो आपको टेम्परेचर दिख रहा है 7 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, तो आप उसको कैसे दिखाएंगे, बिलो बोला मीन्स शिमला का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस, ऐसे आपको लिखना है वहाँ पर। फिर लेह का बिलो 12 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, तो ये भी बिलो है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -12 डिग्री सेल्सियस बिलो बोला, यानी आप माइनस में उसको लिखना है टेम्परेचर को। फिर 20 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का अबव 0 डिग्री, 0 डिग्री से अबव है, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे +22 डिग्री सेल्सियस। और 31 डिग्री सेल्सियस का भी अबव है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा +31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स यूजिंग द प्रॉपर साइंस, जो जो भी हमारे नंबर्स है उनको आपको प्रॉपर साइन यूज करके लिखना है। जैसे पहला एग्जांपल है, अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 512 मीटर्स बिलो सी लेवल। अब फिर से यहाँ पे बिलो आया, बिलो आया मीन्स आपको क्या दिखाना है, वहाँ पर माइनस में दिखाना है, तो अपना 512 जो है ये यहाँ पे हमें आंसर करके लिखना है कि वो -512 हो जाएगा, उसका जो है डेप्थ वो -512 मीटर हो जाएगी। फिर सेकंड है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयस इन 8848 मीटर्स, तो यहाँ पर भी आपका क्या दिखाया, हाईएस्ट हाइट दिखाई गई है और हाईएस्ट पीक दिखाया गया है, तो ये जो है वो हमारा 8848 मीटर्स वैसा ही रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, हाइट अबव दिखाया तो वो हाइट हमारी पॉजिटिव में ही आएगी। फिर नेक्स्ट है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, अब ये भी अबव आ गया, ग्राउंड से ऊंचा है 122 मीटर्स तक, तो वो भी हमारा पॉजिटिव में आएगा, 120 मीटर्स अबव लिखेंगे हम उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द टनल इज एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड, अब 2 मीटर्स अंडर द ग्राउंड मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेप्थ, डेप्थ मीन्स वो बिलो हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, -2 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको करना है, और अभी जो मैंने समझाई वो आपको अभी कॉपी में करना है, ओके।